क्लास में हमने मेटा सेंटर, मेटा सेंट्रिक हाइट, बॉयंसी, बॉयंसी फोर्स के बारे में पढ़ा था। उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4 मीटर हैज़ ए हाइट ऑफ 4 मीटर। फाइंड द मेटा सेंट्रिक हाइट ऑफ द सिलेंडर इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ सिलेंडर इज 0.6 एंड इट इज़ फ्लोटिंग इन वाटर व्हेन विथ इट्स न्यूट्रल एक्सिस। स्टेट वेदर द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन में दिया हुआ है डायमीटर दिया हुआ है 4 मीटर, हाइट दिया हुआ है 4 मीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल ऑफ सिलेंडर इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ये है 0.6। बॉडी क्या है, फ्लोटिंग बॉडी है। हमको निकालना क्या है, मेटासेंट्रिक हाइट। तो मेटासेंट्रिक हाइट क्या होता है, जी एम इक्वल टू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन वॉल्यूम माइनस बी जी। तो इसका डायग्राम भी दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको। इसके अलावा और क्या बताना है हमको कि ये बॉडी स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं मेटासेंट्रिक हाइट जो निकालना है हमको। उसका फॉर्मूला ये होता है जी एम इक्वल टू आई अपॉन वी बार माइनस बी जी, आई अपॉन वॉल्यूम माइनस बी जी। तो सबसे पहले हम बी जी निकालेंगे। ये डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का बी जी। तो बी जी क्या होगा, यहाँ पे से बी जी होगा ए जी माइनस ए बी। यहाँ से यहाँ तक का हाइट दिया हुआ है 4 मीटर, तो ए जी निकल जाएगा यहाँ पे से। यहाँ से ये हो जाएगा 2 मीटर, ए जी का वैल्यू हो जाएगा 2 मीटर माइनस ए बी, ये हो यहाँ से बी जी। तो ए बी को निकालने के लिए सबसे पहले ए बी क्या होगा, ये जो भी डिस्टेंस है मान लेते हैं डिस्टेंस एक्स, इसका हाफ होगा ए बी, एक्स बाई टू होगा। ए बी इक्वल टू क्या होगा, एक्स बाई टू। यहाँ पे ये सिलेंडर है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 0.6 और ये क्या है, वाटर है। तो सबसे पहले मैं ये हाइट निकाल देता हूँ। तो ये हाइट कैसे निकलता है, हमको पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इंटू हाइट एच एक्स। ये हमारा हाइट क्या है, हाइट एच एक्स है, ये एच एक्स इक्वल टू सिलेंडर का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 0.6 और सिलेंडर का हाइट कितना दिया हुआ है 4 मीटर। तो यहाँ से हमको निकल जाएगा एच एक्स के वैल्यू। स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के लिए होता है 1, तो एच एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.6 इंटू 4, ये हो जाएगा 2.4 मीटर। तो ये 2.4 मीटर क्या है, 2.4 मीटर हाइट वह हाइट है जिसमें ये सिलेंडर पानी के अंदर है। इतने पोर्शन में ये सिलेंडर क्या है, पानी में फ्लोट कर रहा है और बाकी क्या है, ऊपर पोर्शन है। तो ये हाइट हमको पता चल गया। तो हम बी जी निकाल लेते हैं यहाँ से। बी जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस एच एक्स क्या होगा, ए बी क्या होगा, एच एक्स बाई टू। एच एक्स का वैल्यू है 2.4 बाई 2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है बी जी इक्वल टू 0.8 मीटर। इसके बाद हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। ये क्या, कौन सा वॉल्यूम होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इन वाटर। जो सिलेंडर, जितना पोर्शन सिलेंडर का पानी के अंदर है, मतलब इतना पोर्शन अंदर है उसका वॉल्यूम, पानी के अंदर जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम होगा ये भी। तो इसको निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ये होगा V इक्वल टू, लिख लेते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इन वाटर। तो ये हो जाएगा सिलेंडर का एरिया इनटू डेप्थ ऑफ सिलेंडर इन वाटर। सिलेंडर का डेप्थ कितना है वाटर में, ये है 2.4 मीटर, इतने डेप्थ में है वो पानी में। और एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू, ये हो जाएगा एच एक्स का वैल्यू। तो पाई बाई 4 हो गया, डी का वैल्यू हमको पता है 4 का स्क्वायर, एच एक्स है यहाँ पे 2.4। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमको वॉल्यूम मिल जाता है 30.159 मीटर क्यूब। अब हमारे पास और क्या बचा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा सिलेंडर के लिए, ये होगा पाई बाई
64 d4। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन ऑफ द बॉडी अबाउट y y एक्सिस, मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये हमने मेटासेंट्रिक हाइट जब पढ़ा था उसमें देखे थे। तो यहाँ पे y y एक्सिस क्या होगा, ये x एक्सिस है और ये क्या हो जाएगा, y एक्सिस। तो सर्कल के केस में आई एक्स एक्स आई वाई वाई सेम ही रहता है, इसका वैल्यू कितना रहता है, पाई बाई 64 इंटू डी फोर। तो यहाँ से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू निकाल लेते हैं 4 to the power 4। तो ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 12.566 मीटर फोर, ये हो गया आई। अब हम निकालते हैं मेटासेंट्रिक हाइट, ये होगा हमारा जी एम इक्वल टू आई अपॉन वॉल्यूम माइनस बी जी। आई कितना है हमारा 12.566, वी कितना है 30.159, बी जी कितना है 0.8। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है वैल्यू -0.3833 मीटर जी एम। यहाँ पे ये जी एम माइनस आ रहा है, निगेटिव, इसका मतलब क्या है, जो हमारा मेटा सेंटर एम है वो मेटा सेंटर एम इज़ बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। निगेटिव का मतलब ये होता है मेटा सेंटर एम इज़ बिलो जी, इसका मतलब क्या होता है, जो बॉडी रहता है वो क्या रहता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा फ्लोटिंग बॉडी है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इसको लिख लेते हैं अच्छे से, निगेटिव साइन मीन्स मेटा सेंटर इज बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी, थस द सिलेंडर इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको भी हमने देखा था, स्टेबिलिटी ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी में इक्विलिब्रियम। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गए, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम फॉर्मूला को लिख लेंगे, हमको क्या क्या चाहिए रहेगा, आई चाहिए, वी चाहिए और बी जी चाहिए। इसके लिए डायग्राम क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये इक्वेशन बनाएंगे, इससे हमको पता चल जाएगा क्या क्या कैसे कैसे निकालना है। ये इक्वेशन बनाने भी आना चाहिए, इसको हम प्रेशर मेजरमेंट जब करते थे उसमें भी पढ़े हैं, मैनोमीटर में भी पढ़े हैं। ये S1H1 इक्वल टू HW के फॉर्म में ये इक्वेशन याद रहना चाहिए। यहाँ पे हम इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम निकालते हैं, तो यहाँ पे भी हमने वही किया, पानी में सिलेंडर कितने पोर्शन में है उस हाइट का वैल्यू निकाले, HX का वैल्यू यहाँ से आया, उसके बाद VG का वैल्यू निकाले, फिर V, उसके बाद I और इसमें पुट कर दिए। निगेटिव आ रहा है मतलब मेटा सेंटर M जो नीचे है, बिलो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, मतलब ये जो हमारा सिलेंड्रिकल बॉडी है वो क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। सिंपल न्यूमेरिकल आता है, इस न्यूमेरिकल में अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।